गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप इसके पहले वाले जो डेरिवेशन है आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अभी तक के हमने क्या देखा, ठीक है, जिसमें केवल क्या है, प्रतिरोध है, धारित, उसके बाद में संधारित्र है, ठीक है, और प्रेरकत्व है। ठीक है, अब हमारे जो अगले वाले डेरिवेशन है उसमें कंटेनिंग होंगी क्या है, या फिर आर सी वाला है, आर एल वाला है, ठीक है, बाद में एल सी वाला है, एल सी आर वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर डिस्कस दिस इक्वेशंस या फिर दिस डेरिवेशंस कंटेनिंग, मतलब जिसमें केवल क्या है, प्रतिरोध और संधारित्र है। ठीक है, इस डेरिवेशन को हम करेंगे आज। ठीक है, आई होप आपने फेयर वर्क कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा जो डेरिवेशन मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, सभी ने जो वीडियो आपको सेंड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, सभी उसको देख रहे होंगे। ठीक है, अगर देख रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आनी है तो हमारा नंबर आपके पास में होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, या तो फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, फिर उस प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशन की ओर हम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, परिपथ का डायग्राम बनाएंगे। परिपथ के डायग्राम में क्या है, परिपथ बनाएंगे सबसे पहले। तो परिपथ बना इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैपेसिटर्स, देन ठीक है ये हो जाएगा C, R, पोटेंशियल डिफरेंस या प्रोटो कैपेसिटेंस, मतलब ना संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या लेंगे, वी सी। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, वी आर। ठीक है, प्रत्यावर्ति धारा का एंगल इस तरीके से सर्किट कंप्लीट, परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें करंट फ्लो होगा, प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ति धारा आर, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, वोल्टेज का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, परिपथ बनाना। ठीक है, अब इसमें जो भी हमने लिया है उसको हमको लिखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले है R, R क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद में C क्या है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, आई है क्या, प्रत्यावर्ती धारा, वी क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, वी क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्रिसिशन परिपथ का वोल्टेज। तो प्रिसिशन परिपथ के वोल्टेज को कौन से समीकरण से हम क्या लिखे बताते हैं, तो V बराबर क्या होता है, वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसको समीकरण नंबर देना है आपको एक, समीकरण नंबर क्या देंगे, इसको एक दे देंगे। फिर क्या करना है, ठीक है, फिर प्रतिरोध के सिरों के बीच करेंगे विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर लेना है आपको, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ना विभव का सूत्र होता है ना, वी बराबर आई आर, इसलिए। ठीक है, फिर क्या लेंगे, संधारित्र लिखेंगे, संधारित्र के सिरों के बीच का क्या लेना है, विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, ना आई एक्स सी को यहाँ पे एक्स सी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारिता प्रतिभार,
यार धारिता प्रतिकार बोलते क्या था हमने धारिता प्रतिकार के लिए सूत्र भी लाया था xc बराबर क्या होता है xc बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा c होता है सॉरी ठीक है xc इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा c होता है ये याद रखना है आपको तो vc इज इक्वल टू क्या हो गया ixc ठीक है इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 3 ठीक है फिर आगे अब ठीक है अब इनके बीच का जो फेज डायग्राम होता है वो लेना है हमको ठीक सबसे पहले ठीक है वी आर है ना और आर ये क्या रहते हैं हमेशा समान कला में होते हैं तो एक लाइन के बाद लिखिए ठीक है पता था ना हमने प्रतिरोध और केवल प्रतिरोध जिसमें है ऐसे सर्किट में तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं समान कला में होते हैं ठीक है फिर उसके बाद में जो VC है ठीक है तो VC जो रहेगा मतलब ठीक है वो क्या रहेगा आपका पश्चगामी होता है धारा से मतलब आई से क्या होगा 90 अंश क्या होगा पश्चगामी होगा की ओर बनाया बताया ठीक है और उसके बाद में अगर इन दोनों के बीच का BC और VR के बीच का हमने रिजल्टेंट वोल्टेज लिया मतलब परिणामी ना प्रतिरोध लिया तो क्या हो जाएगा के परिणामी इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई ना फेज डिफरेंस को कैसे दर्शाएंगे पाई से दर्शाएंगे ठीक है तो ये भी हो जाएगा पर BC हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको बताना है ठीक है शब्दों में लिखना है ठीक है जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है आपके के क्या है वे VR और I है ना VR और I क्या होंगे समान कला में होंगे VC धारा I से 90 अंश क्या होगा पश्चगामी होगा ठीक है उसके बाद में VR और VC के बीच में कितने का कलांतर होगा तो 90 का कलांतर होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ठीक है ये तो दोनों सेम फेस में है एक बार करंट के लिए बोलना है पर क्या है जो प्रतिरोध वोल्टेज का प्रतिरोध है ठीक है प्रतिरोध का वोल्टेज है उसके लिए आपको बोलना है ठीक है फिर आप क्या करेंगे आगे हम करेंगे यदि V जो है इसका ना VR और VC का VR तथा VC का परिणामी वोल्टेज ठीक है दोनों का क्या है परिणामी वोल्टेज है तो ठीक है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्या बन गया त्रिभुज बन गया ठीक है ओके कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग ठीक है इस तरीके से अब समीकरण नंबर 2 और 3 से देखिए किसका मान है आपके पास में वी आर और बी सी का तो समीकरण 2 व तीन से ठीक है दो और तीन से ठीक है दो और तीन से क्या कर रहे हैं हम उसके मान उठाकर यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स सॉरी आई आर का वर्ग प्लस आई ए सी का वर्ग ठीक है दोनों के लिए वर्ग है ब्रैकेट का वर्ग है ब्रैकेट का वर्ग है मतलब जिससे याद नहीं कि रहेगी उसके वर्ग हो जाएगी अलग अलग कर देंगे इनको आई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों का वर्ग प्लस आई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ठीक है वी स्क्वायर अब क्या करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आपको तो आई स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे फिर ब्रैकेट में क्या बचा एक्स का स्क्वायर ठीक है अब हम यहां से हमने क्या किया वर्ग हटाया दोनों तरफ क्या हो जाएगा वी बराबर आई इकाई का वर्ग था इसके वर्ग का है हमने ठीक है और यहाँ पे इसका वर्ग नहीं था इस ब्रैकेट का इसके क्या हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा एफ सी का स्क्वायर इस तरीके से ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि परिणामी वोल्टेज का क्या रहेगा आपका सूत्र रहेगा क्या रहेगा परिणामी वोल्टेज का सूत्र ठीक है क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है कि भाई ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या है जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र हो ठीक है या आरसी जैसे
बोल देते हैं आपको आरसी सर्किट के लिए निम्न की गणना कीजिए, निम्न को क्या कीजिए, पहली कंडीशन होती है एग्जर्टेड वोल्टेज के लिए, मतलब परिणामी विभव के लिए, परिणामी वोल्टेज के लिए, दूसरी कंडीशन प्रतिबाधा के लिए, और तीसरी कंडीशन दोनों में फेज डिफरेंस मतलब कलांतर वी और आई में। तो हमारी पहली कंडीशन आ गई है परिणामी वोल्टेज, क्योंकि वी को हमने क्या माना है, परिणामी वोल्टेज माना है। ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाकी क्या करना है आपको, xc इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा c होता है, तो xc की जगह रखना है ओमेगा c रखना है। ठीक है, तो ये बहुत हाई कर देते हैं इसको पहले तो। ठीक है, रूट में क्या हो जाएगा फिर r स्क्वायर प्लस 1 बार। ठीक है, दो का इसको कर देंगे कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, क्वेश्चन नंबर दे देंगे 4। ओके, अब समीकरण नंबर जो 4 बना हुआ है उसका कंपैरिजन मतलब उसकी तुलना किससे करेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से करने पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रहेगा परिवर्तन क्या रहेगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो काय से दर्शाते हैं, जब आपको अंदर वाला क्वेश्चन लिखवाया था तो उसमें बताया था मैंने कि इनको काय से दर्शाते हैं, तो काय से दर्शाते हैं उसको Z से दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V upon I की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिबाधा Z, और रूट में क्या आ जाएगा, R square plus 1 upon में omega square C square। यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन प्रतिबाधा के लिए। ना वैसे भी शब्दों में आपको लिखना है कुछ वर्ड्स कि कैसे आप कंपेयर कर रहे हो, और कैसे उसको न्यूट किया जा रहा है, कैसे उसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, रूट में R square plus 1 upon omega square C square। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस, तो फिर लिखेंगे हम यदि फाइव बी और आई के बीच विभवांतर हो तो। ठीक है, बी और आई के बीच का विभवांतर हमने क्या दिया है, फाइव लिया है, तो क्या लिखे फिर, टेन फाइव बराबर, ठीक है, टेन बराबर, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो रहा है, लंब बटे आधार, ये डिफरेंस हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा, मतलब बी सी फोर में बी आर। ठीक है, अब बी सी और बी आर का मान कहाँ मिलेगा, वापस आपको समीकरण नंबर 2 और 3 में मिलेगा। तो समीकरण 2 और 3 से वापस से हम क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, तो टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान क्या हो जाएगा, IXEH और IR है। ठीक है, I से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ठीक है, जो बचा है इसको लिखना है आपको, तो 10 by, ठीक है, 10 by बराबर क्या हो जाएगा, IXEH अपॉन में R। ठीक है, वापस से IXC का मान रखना है आपको। ठीक है, क्या होता है, मान अपॉन में ओमेगा C, टेन पाई बराबर क्या हो जाएगा, मान अपॉन ओमेगा C अपॉन में क्या जाएगा, R। ठीक है, ये अपॉन में नीचे चल जाएगा, तो टेन पाई बराबर क्या हो जाएगा, मान अपॉन में ओमेगा C R। ठीक है, फिर इधर क्या है, पाई है, हमको पाई का है। ठीक है, टेन इधर से उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। और 1 में ओमेगा सी आर इज इट इज। ठीक है, ये क्या है कि थर्ड कंडीशन किसके लिए, फेज डिफरेंस के लिए, कलांतर के लिए, किसमें, बी और आई के बीच में। ठीक है, समझ में आएगा डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आप इसको समझिए, आप पीडीएफ आपके पास पहुंच भी होगी, उसमें इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। ठीक है, और जो वीडियो आपने देखे या फिर नहीं देखे, या फिर कोई समस्या वगैरह आ रही है आपको देखने में, ठीक है, या फिर तो सब समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास में नंबर होगा ही, आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।